कितना गेम खेलेंगी आप? ये तू सब क्या कह रही है बेटा? क्या कह रही हूँ नानी? आपको सच्चाई जाननी है ना? कैसे इन्होंने इतने बड़े बड़े गेम्स खेल के मेरी सगाई तोड़वाई। मैं आपको बता, ये एक अकेली है जिसने मेरा और सिद्धार्थ का रिश्ता तोड़ा है। इसका मतलब मॉम मुझसे सिद्धार्थ के पेरेंट्स की दहेज लेने वाली बात छुपा रही थी। ये लोग जानते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ तुमसे प्यार नहीं करती, इसलिए 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। ये है इनकी असलियत। ये सब सच है? बता, सच है? हाँ माँ, ये सच है, सच है ये। और जिसका जो समझना है वो समझे, क्योंकि जो मैंने किया वो बिल्कुल सही किया है। वो 2 कौड़ी का सिद्धार्थ इस घर का जमाई नहीं बन सकता, और वो भिखारी कुकरेजस, वो मेरे समधी कभी भी नहीं बन सकते। और रोशनी, मैंने ये सब इसलिए किया है क्योंकि आगे चलकर मैं तुम्हें हर चीज के लिए भीख मांगते हुए नहीं देख सकती। बहुत हो गया, तूने बहुत कुछ बोल लिया और हमने बहुत कुछ सुन लिया, लेकिन अपनी बेटी के साथ इस तरह का बर्ताव करने के लिए मैं तो क्या, तुझे भगवान तक माफ नहीं करेंगे, समझी? मुझे आपके भगवान की भीख चाहिए भी नहीं। मैंने जो भी जिंदगी आप लोगों को दी है, ये ऐश और आराम, ये सब अपने दम पे दिया मैंने, भगवान से नहीं मांगा मैंने। वाह, ओह माय गॉड, व्हाट एन इमोशनल ड्रामा। आपका इमोशनल ड्रामा खत्म हो गया, रोए हम। कितनी बड़ी नौटंकी की बात है ना। वैसे मुबारक हो, आप जीत गई हैं। आई एम सो सॉरी मॉम। कौन सी मॉम? नानी, इस घर में तो कोई मॉम है ही नहीं। इनके ऊपर तो वही इमोशनलेस नाम सूट करता है, द डीडी पटेल। डीडी पटेल, आप ही को मुबारक हो आपका ये घर। आई एम लीविंग योर हाउस राइट नाउ। रोशनी बेटा, ऐसा मत कर बेटा। रोशनी रुक जा। रोशनी मत जा। रोशनी, तुम ऐसे नहीं जा सकती, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी। तुरका रोक उसे। रोशनी, रोशनी, रोक उसे।